तो बच्चों आज अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, पादपों में लैंगिक जनन। अपना नेक्स्ट चैप्टर क्या बच्चों, सेकंड चैप्टर जो बायोलॉजी में है बेटा, पादपों में कौन सा जनन बच्चों, लैंगिक जनन। फर्स्ट वीडियो में आपने वॉच कर लिया होगा बेटा अलैंगिक जनन। तो बच्चों पादपों में एक तो लैंगिक जनन, तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए बेटा कि पादपों में लैंगिक भाग कौन सा है बेटा। तो पादपों में जो जनन में भाग लेता है बेटा लैंगिक भाग, वो लैंगिक भाग कौन सा होता है बच्चों, फ्लावर। तो ध्यान रखना बेटा लैंगिक भाग कौन सा है बच्चों, उसका फ्लावर है, ठीक है ना बेटा। अब जैसे मान लीजिए आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा, आई थिंक लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, कि जो पुष्प है बेटा उस पुष्प में चार टाइप के चक्र होते हैं बेटा, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और क्या होता है बच्चों, जायन। तो चार टाइप के क्या होते हैं बेटा, चक्र होते हैं। बाह्य दलपुंज के प्रत्येक सदस्य को क्या बोलते हैं बेटा, बाह्य दल बोलते हैं। दलपुंज के प्रत्येक सदस्य को अपन क्या बोलते हैं बेटा, दल बोलते हैं। और पुमंग जो नर जननांग है बेटा, इसके प्रत्येक सदस्य को क्या बोलते हैं बेटा, पुंकेसर। क्या बोलते हैं बच्चे, पुंकेसर। और जायन के प्रत्येक सदस्य को क्या बोलते हैं बेटा, अंडब बोलते हैं। तो एक तो ध्यान रखना बच्चों लैंगिक भाग मैंने पुष्प बताया, और पुष्प के अंदर कितने प्रकार के चक्र होते हैं बेटा, चार प्रकार के चक्र होते हैं। तो आपको आपने पुष्प ऑब्जर्व किया होगा बेटा, पुष्प में आपने देखा होगा बेटा कि सबसे बाहर जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, सबसे बाहर ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है ना बेटा, वो क्या होता है बच्चों, बाह्य दल होता है बेटा। और ये बाह्य दल जनरली ध्यान रखना बेटा रोल इन फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में रोल करता है बेटा। पुष्प का जो कलरफुल पार्ट है, जो कलर रंगीन भाग होता है ना बेटा, वो रंगीन भाग कौन सा होता है बच्चों, दल होता है बेटा। और ये दल ध्यान रखना कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है। तो ये जो दलपुंज और बाह्य दलपुंज है ना बेटा, ये दोनों ध्यान रखना बच्चों सहायक चक्र है। कौन से चक्र है बेटा, सहायक चक्र है बेटा। ये रिप्रोडक्शन में यानी जनन में क्या करते हैं बेटा, सहायता प्रदान करते हैं बेटा, इसलिए इनको क्या नाम दिया, सहायक चक्र। जैसे दल है बेटा, तो दल कीटों को आकर्षित करता है बेटा, और कीट आपको पता है परागण में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया बेटा, सहायक चक्र है। पुमंग मैंने आपको पहले ही कहा बेटा, पुमंग कौन सा भाग है, नर जननांग है। पुमंग कौन सा जननांग है बच्चों, नर जननांग है। और जायांग आपको पता होना चाहिए बच्चों, मादा जननांग होता है बेटा, मादा जननांग। तो ये जो दोनों चक्र है ना बेटा, इन दोनों चक्रों को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, आवश्यक चक्र बोलते हैं। इन दोनों चक्र को क्या बोलते हैं बेटा, आवश्यक चक्र। यदि मान लीजिए ये चक्र नहीं हुए, पुमंग और जायांग, तो जनन नहीं होगा बेटा। जनन के लिए आवश्यक है, क्योंकि बेटा आपको पता है ये नर युग्मक बनाता है, और जायांग जो है बेटा वो क्या बनाता है बेटा, मादा युग्मक। और नर और मादा युग्मक आपको पता है लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। तो ये दोनों अपने चक्र कौन से हो गए बेटा, आवश्यक, और ये दोनों सहायता प्रदान करते हैं, इसीलिए बेटा क्या है बेटा, सहायक चक्र है। अब देखो बच्चों, नर जननांग कौन सा बताया बच्चों, पुमंग। तो अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा पुमंग, पुमंग की क्या संरचना होती है बेटा। तो पुमंग में ध्यान रखना बेटा मेनली दो पार्ट होते हैं, एक तो ये परागकोष होता है बच्चों, और एक क्या बेटा, पूतंतु होता है। और जायांग में तीन पार्ट होते हैं बेटा, सबसे ऊपर ही ऊपर ये वर्तिकाग्र है बेटा, ये वर्तिका है, और ये क्या होती है बच्चों, अंडाशय होता है बेटा। अब बच्चों अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, क्या बेटा, पुंकेसर। तो पुंकेसर आपको पता है बेटा, पुंकेसर इसका कौन सा भाग है बेटा, नर जननांग होता है बेटा। तो पुंकेसर जैसे मान लीजिए पुंकेसर की मैंने संरचना बनाई बेटा, पुंकेसर में ये इस तरह से पुंकेसर आपको पुष्प में दिखेंगे बेटा। तो पुंकेसर के इस भाग को क्या बोलते हैं बेटा, इस भाग को बोलते हैं बच्चों पराग कोष। पुंकेसर के इस भाग को क्या बोलते हैं बच्चों, पराग कोष बोलते हैं बेटा। ये जो भाग होता है बेटा, इसको बोलते हैं पूतंतु। क्या बोलते हैं बेटा, पूतंतु। और ये पूतंतु पराग कोष से ध्यान रखना बेटा, जिसके द्वारा जुड़ा रहता है बेटा, योजी के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ा रहता है बेटा, ये योजी के द्वारा क्या होता है बेटा, जुड़ा रहता है। तो पुंकेसर में एक तरह से कितने भाग हो गए बेटा, तीन भाग हो गए, पूतंतु, पराकोष एंड क्या बेटा, योजी। तो पुंकेसर के अंदर कितने भाग हो गए बच्चों, तीन भाग हो गए बेटा। एक तो हो गया बच्चों कौन सा, पूतंतु, एक हो गया बेटा क्या, योजी, और एक हो गया बेटा क्या, पराग कोष। ये जो पराग कोष होते हैं ना बेटा, इस पराग कोष में ध्यान रखना बेटा कितनी पालियां होती है, दो पालियां होती है। तो ये पराग कोष की क्या है बच्चों, पालियां हैं। तो प्रत्येक पराग कोष में, प्रत्येक पराग कोष में ध्यान रखना बेटा कितनी पालियां होती है, दो पालियां। तो ध्यान रखना बच्चों प्रत्येक पराग कोष में, प्रत्येक पराग कोष में दो पालियां होती है। प्रत्येक पराग कोष में कितनी पालियां होती है बेटा, दो पालियां होती है। लेकिन एक अपवाद है बेटा, मालवेसिकुल,
मालवेसी कुल को छोड़कर के, ध्यान रखना बेटा, कौन से कुल को छोड़कर के बच्चों, मालवेसी को छोड़कर, मालवेसी के अंदर ध्यान रखना बच्चों एक पाली युक्त होता है बेटा। कभी आपने एक प्लांट देखा होगा बेटा गुड़हल का प्लांट, तो गुड़हल के अंदर ध्यान रखना बेटा पराग कोष के अंदर क्या होती है बेटा, एक ही पाली पाई जाती है बच्चों। अब ये जैसे मान लीजिए दो पालियां होगी बेटा, यदि अपन पराग कोष को देखेंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये पराग कोष है बेटा, ये क्या है बच्चों पराग कोष, तो इस पराग कोष में आपको दो पालियां दिखेगी बेटा, एक पाली ये होगी एक पाली ये होगी। प्रत्येक पाली के अंदर क्या होती है बच्चों, लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों, लघु बीजाणु धानियां होती है बेटा। तो ध्यान रखना बेटा प्रत्येक पाली के अंदर दो दो लघु बीजाणु, जैसे ये दो पालियां होगी बेटा, एक पाली ये है, तो दोनों पालियों के अंदर ध्यान रखना बेटा एक पाली के अंदर दो लघु बीजाणु धानियां होती है। तो नेक्स्ट पेज चीज ध्यान रखना बच्चों, प्रत्येक पाली के अंदर ध्यान रखना बेटा दो लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है, दो लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है, दो लघु बीजाणु धानिया पाई जाती है बेटा। लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं बेटा, इसको अपन पराग पुटी भी कह सकते हो, पराग पुटी भी कह सकते हो बेटा। तो बेटा ये दो लघु बीजाणु धानिया एक पाली के अंदर, एक पाली में दो लघु बीजाणु धानिया, तो टोटल जो हो गया बेटा एक दो तीन चार, चार लघु बीजाणु धानिया होती है बेटा। तो ध्यान रखना पराग कोष के अंदर कितने लघु बीजाणु धानिया होती है बेटा, चार लघु बीजाणु धानिया पाई जाती है। अब देखिए बच्चों अपन पराग कोष की संरचना पढ़ रहे हैं बेटा, तो आपको मैंने आपको कहा था बेटा कि ये पराग कोष होता है, ये पोतंतु होता है और ये योजी होता है। यदि मान लीजिए इस पराग कोष का क्रॉस सेक्शन करा जाए बेटा, यानी इसको काटा जाए बेटा, अनुप्रस्थ काट ली जाए, तो ये इस तरह से दिखेगा बेटा पराग कोष का क्रॉस सेक्शन। तो बच्चों ये पराग कोष है बच्चों, और मैंने आपको पहले कहा बेटा पराग कोष में कितनी पालियां होती है, दो पालियां होती है, तो एक पाली ये है और एक पाली ये है बेटा। और प्रत्येक पाली में मैंने कहा था बेटा लघु बीजाणु धानियां होती, ये एक लघु बीजाणु धानी, ये एक लघु बीजाणु धानी, तो एक पाली में दो लघु बीजाणु धानियां, तो दो पालियों में कितनी हो गई, एक दो तीन चार, चार क्या होती है बेटा लघु बीजाणु धानियां होती है। तो ये जो अपना पराग कोष है ना बेटा, इस पराग कोष में दो भाग होते हैं बेटा, एक तो ध्यान रखना बेटा पराग कोष भित्ति, क्या होता है बच्चों पराग कोष की भित्ति, यानी ये जो भाग है ना बेटा बाहर, तो बेटा एक तो ये सबसे बाहर जो लेयर होगी बेटा ये होगी अपनी एपिडर्मिस, जिसको अपन बोलते हैं बाह्य त्वचा, क्या बोलते हैं बेटा बाह्य त्वचा, एक परत तो ये होगी बेटा, ये पराग कोष की सुरक्षा करने का कार्य करती है बच्चों, ठीक है ना, एकल परत होती है। इसके जस्ट नीचे की तरफ बच्चों क्या हो गया बेटा अंतस्थीशियम, क्या हो गया बेटा अंतस्थीशियम, ये भी एकल परत ही होती है बेटा, इसका भी क्या कार्य अभी अपन डिस्कस करेंगे बेटा। इसके नीचे की तरफ, इसके नीचे की तरफ यानी ये सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी, उसके नीचे क्या हो गया बच्चों अंतस्थीशियम हो गया, अंतस्थीशियम के नीचे लगभग दो तीन परत किसकी होती है बेटा मध्य परतें पाई जाती है, मिडिल लेयर, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा मिडिल लेयर बोलते हैं। और सबसे अंदर जो लेयर होती है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है बेटा, दैट इज नोन एज टेपिटम, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों टेपिटम बोलते हैं। तो बेटा ये जो चार परतें हैं, बाह्य त्वचा अंतस्थीशियम, बाह्य त्वचा अंतस्थीशियम, मिडिल लेयर और क्या बेटा टेपिटम, ये पराग कोष की क्या बनाती है बच्चों भित्ति बनाने का कार्य करती है। तो ध्यान रखना पराग कोष की जो भित्ति होती है बेटा वो चार परतों से बनी होती है, बाह्य त्वचा से, अंतस्थीशियम से, मिडिल लेयर और क्या बेटा टेपिटम से बनी होती है। अंदर सबसे सेंटर में केंद्र की तरफ जो होता है बेटा, इसके अंदर जो उत्तक पाया जाता है बेटा उसको बोलते हैं बीजाणुजन कोशिकाएं, या बीजाणुजन उत्तक पाया जाता है बेटा, बीजाणुजन कोशिकाएं। और ये बीजाणुजन कोशिकाएं ध्यान रखना बेटा पराग कणों का क्या करती है बेटा, निर्माण करने का कार्य करती है बेटा। अब देखिए बच्चों सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं बेटा पराग कोष भित्ति की, बाह्य त्वचा की बात करते हैं बेटा। तो मैंने पहले ही कहा बेटा कि ये जो बाह्य त्वचा होती है ना बेटा, ये बाह्य त्वचा एक कोशिका की परत की बनी होती है बेटा, एक कोशिक परत का मतलब एकल परत होती है बेटा, कोशिकाएं बहुत सारी होती है बेटा, एकल परत होती है बेटा कोशिकाओं की, यानी एक ही परत पाई जाती है बेटा कोशिकाओं की। तो और इसका कार्य क्या होता है बेटा, ये पराग कोष की सुरक्षा करने का क्या करती है बेटा, कार्य करती है बेटा। तो ध्यान रखना बेटा बाह्य त्वचा एकल परत होती है कोशिकाओं की, और ध्यान रखना बेटा पराग कोष की क्या करती है बेटा, सुरक्षा करने का कार्य करती है बेटा। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आता रहता है बेटा इसके बारे में, अंतस्थीशियम। तो मैंने आपको कहा था बेटा कि बाह्य त्वचा के ठीक नीचे, बाह्य त्वचा के ठीक नीचे क्या होती है बेटा, थोड़ी दीर्घित कोशिकाएं होती है, लंबी लंबी कोशिकाएं होती है बेटा, ठीक है ना बेटा, दीर्घित कोशिकाएं होती है बेटा, इनको बोलते हैं अपन अंतस्थीशियम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, अंतस्थीशियम या एंडोथीशियम कहते हैं बेटा। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि अंतस्थीशियम की जो आंतरिक कोशिका, आंतरिक जो कोशिका भित्ति होती है और स्पर्श रेखीय कोशिका भित्ति होती है, इस भित्ति के ऊपर ध्यान रखना अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है बेटा, अल्फा सेलुलोज जम जाता है तो यहां पर रेसेदार पट्टियां बन जाती है,
कौन सी पट्टियां बन जाती है बेटा? रसेदार पट्टियां बन जाती है। तो मैंने आपको क्या कहा बेटा कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे जानना एंडोथीशियम पाई जाती है, और एंडोथीशियम की जो आंतरिक कोशिका भित्ति है और स्पर्श रेखीय कोशिका भित्ति है बेटा, इनके ऊपर जानना अल्फा सेलुलोज का क्या होता है बच्चों, डिपोजिशन हो जाता है। तो अल्फा सेलुलोज की डिपोजिशन से वहां पर रसेदार पट्टियां बन जाती है, और ये जो अल्फा सेलुलोज होता है बच्चों ये आर्द्रता ग्राही प्रकृति का होता है। तो इसका मतलब ये कोशिकाएं बेटा आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होगी बच्चों। और ये कोशिकाएं क्या होती है बेटा, एक चीज ध्यान रखना बेटा, इस अंतस्थीशियम की कुछ कोशिकाएं यहां पर पतली परत वाली होती है, पतली परत वाली होती है बेटा, इसको बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्टोमियम। और ये स्टोमियम वाली जो कोशिकाएं होती है बेटा ये पतली परत की होती है। अब आपको पता है बेटा कि जब मान लीजिए जब सूखापन आता है बेटा, तो इसमें क्या होता है बेटा कि बाहर की जो कोशिका भित्ति है अंतस्थीशियम की वो पतली है बेटा, और आंतरिक भित्ति मैंने आपको कहा था बेटा मोटी होती है। तो ये जो बाहर वाली भित्ति पतली है बेटा, इनमें संकुचन होता है बेटा। क्या होता है बेटा? संकुचन। तो यहां पर स्टोमियम के ऊपर दबाव पड़ता है, और स्टोमियम के ऊपर दबाव पड़ता है तो बेटा ये पराग कोष का क्या हो जाता है? स्फुटन, यानी ये यहां से फट जाता है बेटा। तो ध्यान रखना बेटा पराग कोष के स्फुटन में सहायक है क्या बेटा? अंतस्थीशियम। तो अंतस्थीशियम ध्यान रखना पराग कोष के स्फुटन में सहायक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है मध्य परत। तो अंतस्थीशियम पढ़ लिया था बेटा, उस अंतस्थीशियम के नीचे यानी ये जो अंतस्थीशियम है ना बेटा, इसके नीचे एक से तीन परतें पाई जाती है, इसके नीचे बेटा एक से तीन परतें पाई जाती है, उन परतों को क्या बोलते हैं बेटा अपन? मध्य परत बोलते हैं बेटा। एक से तीन परतें होती है बेटा। ये सारी कोशिकाएं जो होती है इसके नीचे की तरफ जो कोशिकाएं होती है बेटा वो पतली भित्ति युक्त होती है और अल्पकालिक होती है बेटा। और ध्यान रखना बेटा इन मध्य परतों का भी जो उपयोग होता है बेटा वो ध्यान रखना बीजाणुजन की कोशिकाएं कर लेती है बेटा। सबसे इनर मोस्ट लेयर बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, और एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है टेपिटम के बारे में। तो सबसे अंदर इनर मोस्ट जो लेयर होती है बेटा, सबसे आंतरिक परत जो होती है बेटा वो क्या होती है? टेपिटम होती है। और ध्यान रखना बेटा टेपिटम भी एक ही कोशिका की परत होती है बेटा, एकल परत होती है बेटा किसकी? कोशिकाओं की। एक कोशिका नहीं सॉरी, एकल परत होती है बेटा किसकी? कोशिकाओं की बेटा। और इन कोशिकाओं की विशेषता ये होती है बेटा कि इन कोशिकाओं में एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, यानी ये क्या होती है बेटा? बहुकेंद्रकी होती है बेटा। और बहुगुणित, बहुगुणित का मतलब गुणसूत्रों की संख्या भी क्या होती है बेटा? ज्यादा पाई जाती है इनके अंदर, ठीक है ना बेटा। तो एक तो बहुकेंद्रकी होती है और एक बहुगुणित होती है। तो क्वेश्चन ये आता रहता है कि यार ऐसा क्यों होता है बेटा कि बहुकेंद्रकी और बहुगुणित होने से क्या बेनिफिट है? केंद्रक बच्चों ज्यादा हो गए तो गुणसूत्र भी ज्यादा होंगे, और गुणसूत्र यदि ज्यादा हो गए तो बेटा आरएनए का फॉर्मेशन ज्यादा होगा और प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना प्रोटीन का संश्लेषण क्या करेगी बेटा? ज्यादा करेगी। इसीलिए ध्यान रखना बेटा टेपिटम जो काम आती है बेटा वो पराग कणों को पोषण देने का कार्य करती है। तो बेटा ध्यान रखना जितने ज्यादा केंद्रक और गुणसूत्र होंगे बेटा उतना ही ज्यादा पराग कणों को ये क्या दे पाएगी बेटा? पोषण दे पाएगी। और इसके अलावा बच्चों ध्यान रखना इसका जो कोशिका द्रव्य होता है बेटा वो भी क्या होता है बेटा? सघन होता है। अब देखिए बच्चों एक्चुअली में जो अंदर मैंने इनर मोस्ट लेयर बताई बेटा, क्या लेयर बताई थी बेटा? टेपिटम बताई थी। ये टेपिटम भी एक्चुअली में दो प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। एक तो होती है स्त्रवी टेपिटम। स्त्रवी टेपिटम में ध्यान रखना बेटा ये कोशिकाएं ओनली स्त्रवण का कार्य करती है, यानी पोषक पदार्थ को स्त्रवण कर देगी बेटा अंदर की तरफ, पराकण कोशिकाएं फिर उनका उपयोग कर लेगी बच्चों। और अमीबिया के अंदर क्या होता है बेटा कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति नष्ट हो जाती है, और ये कोशिकाएं ध्यान रखना बेटा बीजाणुजन कोशिकाओं के साथ ही क्या हो जाती है बेटा? मिल जाती है। तो लेकिन ध्यान रखना बेटा अधिकांश पादपों में जो टेपिटम होती है बेटा वो टेपिटम क्या होती है बेटा? स्त्रवी होती है, यानी कि टेपिटम ध्यान रखना ओनली स्त्रवण का कार्य करती है बेटा, ठीक है ना बच्चों। और वो स्त्रवण आपको पता है बेटा पराकण कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है बेटा। एक और चीज ध्यान रखना है कि जो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है ना बेटा, इन टेपिटम की कोशिकाओं के अंदर वसीय पदार्थ पाया जाता है, फैटी सब्सटेंस होता है बेटा। उस फैटी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रो यूबिस्काय कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? तो ध्यान रखना बेटा मैंने क्या कहा, टेपिटम की कोशिकाओं के अंदर वसीय पदार्थ पाया जाता है, वसायुक्त पदार्थ पाया जाता है बेटा। उस वसायुक्त पदार्थ को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रो यूबिस्काय बोलते हैं बेटा। और इस प्रो यूबिस्काय के साथ एक पदार्थ जुड़ जाता है बेटा, उसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है बच्चों? स्पोरोपोलेनिन। और ये दोनों मिलकर के ध्यान रखना बेटा यूबिस्काय का क्या करते हैं बेटा? निर्माण करते हैं। और ये यूबिस्काय ध्यान रखना बेटा पराग कणों की बाह्य चोन का क्या करती है बेटा? निर्माण करती है। अब देखो बच्चों अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा पराग कोष का विकास। जो भी अपन ने पराग कोष की संरचना पढ़ी बेटा उसका विकास कैसे होता है बेटा? तो मैंने आपको अभी पहले ही कहा था बेटा कि ये अपना पराग कोष है बेटा, और ये क्या बच्चे? पूतंतु। ये पराग कोष हो गया और ये पूतंतु हो गया। तो जब पराग कोष प्रारंभिक अवस्था में होता है ना बेटा, तो वो इस तरह से दिखता है बेटा। इसके सबसे बाहर बच्चों बाह्य त्वचा होती है, एपिडर्मिस होती है, और अंदर की तरफ सारी की सारी जो कोशिकाएं होती है बेटा होमोजेनस कोशिकाएं होती है, यानी कोई विभेदन नहीं होता बेटा, कोई विभेदन नहीं होता बेटा, सारी होमोजेनस कोशिकाएं होती है बेटा। धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होना प्रारंभ होता है बेटा, और पालियों का डेवलपमेंट होना प्रारंभ हो जाता है बच्चों।
तो ये जो बाह्य त्वचा होती है ना बेटा, बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे की तरफ जो हाइपोडर्मल सेल होती है बेटा, वो हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी हो जाती है, और आकार में बड़ी होने पर इसको ध्यान रखना बेटा क्या बोलते हैं बेटा, प्रपस्व कोशिकाएं। तो मैंने क्या कहा बेटा कि एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा के ठीक नीचे जो अधस्तः कोशिकाएं होती है बेटा, हाइपोडर्मल सेल होती है बेटा, वो हाइपोडर्मल सेल कोशिकाओं के आकार में अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती है बेटा। तो बेटा ये चारों कॉर्नर पे चार कोशिकाएं विकसित हो गई बेटा, इन कोशिकाओं को बोलते हैं बेटा प्रपस्व कोशिकाएं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रपस्व कोशिकाएं। यदि ध्यान रखना बच्चों, बीजाणुधानी का विकास एक से ज्यादा प्रपस्व कोशिकाएं से होता है बेटा, तो उसको बोलते हैं सुबीजाणुधानीय विकास। क्या बोलते हैं बेटा उसको, सुबीजाणुधानीय विकास, सुबीजाणुधानीय यानी इसको बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। तो ये यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है क्योंकि चार पराग चार प्रपस्व कोशिकाओं से ध्यान रखना बेटा बीजाणुधानी का क्या हो रहा है बेटा, विकास हो रहा है। अब ये जो प्रपस्व कोशिकाएं होती है बेटा, इस प्रपस्व कोशिका में सबसे पहले परिणतिक विभाजन होता है। ये परिणतिक और अपनतिक विभाजन क्या होते हैं बच्चों, परिणतिक और अपनतिक विभाजन, जैसे मान लीजिए मैंने कहा यार ये कोई कोशिकाएं हैं, ये मान लीजिए मैंने कहा कोशिकाएं हैं बेटा, यदि मान लीजिए इसमें इसके लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पर डिवीजन हो रहा है, इस तरह से यदि डिवीजन हो रहा है, तो इस तरह से डिवीजन हो रहा है तो बेटा ये कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, तो लेकिन परत एक ही रहती है बेटा। इस तरह के विभाजन को क्या बोलते हैं बेटा, अपनतिक विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अपनतिक। और परिणतिक विभाजन क्या होता है बेटा, परिणतिक में ध्यान रखना बेटा, जैसे मान लीजिए ये कोशिकाएं हैं बेटा, यदि इन कोशिकाओं में हॉरिजॉन्टली इस तरह से यदि विभाजन हो रहा है बेटा, लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स विभाजन हो रहा है बेटा, तो इसमें ध्यान रखना बेटा परतों की संख्या में क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। जैसे ये दो परत हो गई, फिर और विभाजन हुआ तो बेटा मान लीजिए कितनी होगी बेटा, चार परतें, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह के विभाजन को यदि इस तरह से हो रहा बेटा तो इसको बोलते हैं परिणतिक, और यदि बच्चों इस तरह से हो रहा तो बेटा इसको बोलते हैं अपनतिक। तो यहां पर परिणतिक विभाजन होता है, तो यानी मान लीजिए ये कोशिकाएं बन गई, दो कोशिकाएं बन गई, तो पहला विभाजन जो होता है बेटा वो परिणतिक विभाजन होता है। तो ये जो बाहर की जो कोशिका बनती है ना, बाहर वाली कोशिका, इस कोशिका को बोलते हैं बेटा प्राथमिक भित्ति कोशिका बोलते हैं बेटा, और जो अंदर की जो कोशिका बनती है बेटा उसको बोलते हैं प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। तो ये तो बेटा बाहर तो हो गई बेटा प्राथमिक भित्ति कोशिका, और अंदर की तरफ जो कोशिका बनती है बेटा उसको बोलते हैं प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। तो ये जो बाहर की जो भित्तीय कोशिका बनी ना बेटा, इसमें कई बार अपनतिक और परिणतिक विभाजन होते हैं, और अपनतिक और परिणतिक विभाजन होकर के पराग कोष की भित्ति का निर्माण होता है। पराग कोष की भित्ति का मतलब क्या हुआ बच्चों, बाह्य त्वचा का निर्माण हो जाता है बेटा, मध्य परत अंतस्थीशियम का निर्माण होता है, अंतस्थीशियम मध्य परतों का निर्माण हो जाता है, और टेपिटम का भी क्या हो जाता है बेटा, निर्माण हो जाता है, टेपिटम भी बन जाती है। तो ये सारा ध्यान रखना बेटा विकास जो होता है बेटा बाहर वाली प्राथमिक भित्तीय कोशिका से होता है, और अंदर की जो कोशिका होती है बेटा उसको बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। उसके अंदर कई सारे सूत्री विभाजन होते हैं बेटा, समसूत्री विभाजन होते हैं, और समसूत्री विभाजन होकर के अंदर की तरफ बीजाणुजन कोशिका का क्या हो जाता है बेटा, निर्माण। यानी कहने का मतलब यहां पर ये अंतस्थीशियम बन गई, फिर मध्य परतों का निर्माण हो गया, और फिर टेपिटम बन जाती है, ठीक है ना। तो ये सारा जो विकास होता है बेटा ये प्राथमिक भित्ति कोशिका से होता है, और अंदर का जो बीजाणुजन उत्तक बना ये वाला उत्तक ये किससे बनता है बच्चों, ध्यान रखना बेटा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से। इस तरह से ध्यान रखना बेटा पराग कोष का क्या होता है बच्चों, विकास होता है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा लघु बीजाणु जनन। तो बच्चों अभी तक अपन ने डिस्कस कर लिया था बेटा कि यार ये जो पराग कोष होता है बेटा और ये पूतंतु होता है, और मैंने आपको कहा था पराग कोष के अंदर मैंने आपको कहा था लघु बीजाणुधानी होती है, और लघु बीजाणुधानी के अंदर की तरफ मैंने आपको कहा था बीजाणु जन कोशिकाएं होती है, और ये बीजाणु जन कोशिकाएं ध्यान रखना बेटा किसका कार्य करती है बेटा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। तो इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में बच्चों ध्यान रखना बेटा कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपने पढ़ा होगा बेटा अर्धसूत्री विभाजन, ऐसा विभाजन होता है जिसमें एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ध्यान रखना गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, अर्धसूत्री यानी क्या हो जाती है बच्चों, आधी हो जाती है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बेटा ध्यान रखना द्विगुणित होती है, और लघु बीजाणु जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। तो लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं बेटा, लघु बीजाणु जनन वह क्रिया है जिसमें लघु बीजाणु धानी के अंदर उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणुओं का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, लघु बीजाणु जनन, यानी लघु बीजाणुओं का क्या हो गया बेटा, निर्माण हो गया। एक और सीधा रखना बेटा लघु बीजाणु ध्यान रखना बेटा क्या होते हैं बेटा, अगुणित होते हैं बच्चों, क्या होते हैं बेटा, अगुणित। तो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका बेटा, ये मान लीजिए मैंने कहा लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, तो इसमें विभाजन होंगे बच्चों, और आपको पता होगा अर्धसूत्री विभाजन दो बार होता है बेटा, तो कुल मिला के ध्यान रखना बेटा कितनी कोशिकाएं बनती है, चार कोशिकाएं।
लेकिन बच्चों ध्यान रखना प्रारंभ में ये चारों कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती है बेटा, तो इसको अपन लघु बीजाणु चतुष्क भी कहते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं बेटा, इसको लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। तो मैंने अभी आपको कहा बेटा कि यार लघु बीजाणु जनन से जो चार लघु बीजाणु बनते हैं बेटा वो चतुष्क के रूप में होते हैं। एक्चुअली में ये चतुष्क भी अलग अलग प्रकार के होते हैं बेटा। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा लघु बीजाणु के चतुष्कों के प्रकार। एक तो होता है बेटा चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में लघु बीजाणु इस तरह से अरेंज होते हैं कि यार बेटा सामने से देखने पर तीन लघु बीजाणु ही दिखते हैं बेटा। एक इनके क्या होता है बेटा पीछे की तरफ होता है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है बेटा, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय टाइप का होता है बच्चों। अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं बेटा, सबसे अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप बेटा द्विबीजपत्री पादपों में आपको क्या मिलेगा बेटा? चतुष्फलकीय मिलेगा। समद्विपार्श्व के अंदर क्या होता है बच्चों? समद्विपार्श्व में अरेंजमेंट इस तरह से होता है बेटा, चारों के चारों लघु बीजाणु आपको सामने से ही दिखाई देते हैं बेटा। ये समद्विपार्श्व हो गया बेटा, ये अधिकांश एक बीजपत्रियों में मिलते हैं। तो एक बीजपत्रियों में ध्यान रखना बेटा इस तरह का क्या होता है बेटा? अरेंजमेंट होता है, चारों लघु बीजाणु एक ही तल से आपको दिखाई देते हैं बेटा। क्रोसित। क्रोसित का मतलब क्या होता है बेटा? कि दो लघु बीजाणु, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये फिंगर है और ये दो फिंगर है, जैसे ये दो लघु बीजाणु हो गए, ये दो लघु बीजाणु हो गए, इस तरह से है, क्रॉस के फॉर्म में होते हैं बेटा। तो आपको कितने दिख रहे हैं बेटा? यहां पर तीन ही दिखेंगे इसके अंदर, लेकिन इनका अरेंजमेंट इस तरह से होगा बेटा, ये दो लघु बीजाणु हो गए और एक लघु बीजाणु इस तरह से हो गया बेटा, एक इसके जस्ट पीछे की तरफ होता है। तो क्रॉस के रूप में होते हैं बेटा। किस रूप में होते हैं बच्चों? ये क्रॉस के रूप में होते हैं। टी शेप में ध्यान रखना बेटा, दो लघु बीजाणु इस तरह से होते हैं बेटा और दो लघु बीजाणु इस तरह से होते हैं। तो इनकी जो शेप होगी बेटा टी के आकार की होगी और रेखीय। यदि चारों के चारों लघु बीजाणु इस तरह से रेखा के रूप में व्यवस्थित हो बेटा तो उसको बोलते हैं बेटा क्या बेटा? रेखीय बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे बेटा? रेखीय। तो मैंने आपको कहा बेटा चतुष्फलकीय द्विबीजपत्री पादपों में मिलता है, समद्विपार्श्व जो होता है बेटा वो एक बीजपत्री पादपों में मिलता है बेटा, और ये जो क्रोसित है बेटा ये मैग्नोलिया, कौन सा प्लांट है बेटा? एक मैग्नोलिया प्लांट होता है बेटा, उसके अंदर मिलता है बच्चों। और टी शेप का मिलता है बेटा एरिस्टोलोकिया में। किसमें मिलता है बेटा? एरिस्टोलोकिया में। और ये जो रेखीय है बेटा ये रेखीय आपको मिलेगा बेटा हेलोफिला नामक पादप के अंदर। तो कुल मिला के ध्यान रखना बेटा पांच प्रकार के हो गए बेटा, चतुष्फलकीय हो गया, समद्विपार्श्व हो गया, क्रोसित, टी शेप और क्या हो गया बेटा? रेखीय प्रकार का हो गया बेटा। एक बच्चों दो टर्म्स आती है बेटा, एक तो पोलिनियम। पोलिनियम क्या होता है बेटा? एक्चुअली में आक जो प्लांट है बेटा उस आक प्लांट के अंदर ध्यान रखना बेटा बहुत सारे परागकण आपस में मिल जाते हैं बच्चों और मिलकर के एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं बेटा, उस विशिष्ट संरचना को क्या बोलते हैं बेटा? पोलिनियम बोलते हैं बेटा। तो आक में ध्यान रखना बेटा केलाट्रोपिस प्रोसेरा जो आक वाला प्लांट है बेटा उसके अंदर ध्यान रखना बहुत सारे परागकण आपस में मिलकर के एक विशेष संरचना बनाते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं बेटा? पोलिनियम। एग्जाम में आ सकता है बच्चों ये। एक बेटा बहुबीजाणुता। बहुबीजाणुता किसमें पाई जाती है बेटा? ड्रोसेरा और टाइफा में। ड्रोसेरा और टाइफा में क्या होता है बच्चों की जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये चतुष्क होता है बेटा, लेकिन बहुत सारे यदि चतुष्क आपस में जुड़ गए बेटा तो बहुत सारे यदि चतुष्क आपस में जुड़ जाते हैं बेटा तो एक जो संरचना बनती है बेटा विशेष संरचना उसको बोलते हैं बहुबीजाणुता। क्या बोलते हैं बच्चों? बहुबीजाणुता। तो बहुबीजाणुता कैसे कहते हैं बेटा? यदि बहुत सारे एक से अधिक चतुष्क आपस में मिल जाते हैं बेटा तो जो बहु वो संरचना जो बनती है बेटा उसको बोलते हैं अपन बहुबीजाणुता। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बच्चों पराग कोषों में स्फुटन। तो बच्चों पराग कोष में जो स्फुटन होता है बेटा अलग अलग पादपों में अलग अलग टाइप का होता है बेटा। तो मैंने आपको पहले कहा कि यार जैसे मान लीजिए ये अपना क्या हो गया बच्चों? पराग कोष हो गया बेटा। यदि पराग कोष में स्फुटन अनुप्रस्थ हो रहा है बेटा, इस तरह से हो रहा है बेटा, यहां से यदि फट रहा पराग कोष तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? अनुप्रस्थ बोलते हैं। ये समझ लेते तुलसी में पाया जाता है बेटा। लंबवत। लंबवत में ध्यान रखना बेटा पराग कोषों में जो स्फुटन होता है बेटा वो इस तरह से होता है बेटा, इस प्लेन पर हो रहा है तो बेटा उसको क्या बोलते हैं बेटा? लंबवत। और मकोय के अंदर तो क्या होता है बच्चों? पराग कोष के अंदर ध्यान रखना बेटा छिद्र बन जाते हैं बेटा। क्या बन जाते हैं बेटा? छिद्र। और इन छिद्रों से परागकण क्या होते हैं बेटा? बाहर निकल जाते हैं बेटा, इसको बोलते हैं छिद्रमय। और बारबेरी के अंदर क्या होते हैं बेटा? कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? कपाट। तो उन कपाटों के थ्रू परागकण क्या होते हैं बेटा? परागकण जो होते हैं बेटा वो बाहर निकलते हैं बच्चों। एक चीज ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको पहले कहा बेटा पराग कोष स्फुटन में सबसे बड़ा रोल किसका होता है बेटा? अंतस्थिशियम का होता है। तो मैंने आपको कहा था कि इस तरह की संरचना मैंने आपको अभी बताई थी बेटा, तो मैंने आपको कहा था सबसे बाहर क्या होती है बच्चों? एपिडर्मिस होती है और अंदर की तरफ क्या होती है? एंडोथीशियम होती है। तो मैंने आपको कहा था एंडोथीशियम यानी अंतस्थीशियम की जो आंतरिक परत होती है और जो स्पर्श रेखीय परतें होती है वो मोटी होती है बेटा और आर्द्रता ग्राही होती है। तो जैसे ही सूखापन आता है ना बेटा, लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि यहाँ की कोशिकाओं की भित्तियां थोड़ी पतली होती है, इसको स्ट्रोमियम बोलते हैं। तो बेटा ये इधर से खींचती है और ये इधर वाली जो कोशिकाएं है बेटा ये अंदर वाली जो परत होती है बेटा वो मोटी होती है ना बेटा, तो ये अंदर से खींचती है। लेकिन मैंने आपको कहा था बीच वाली जो कोशिकाएं होती है स्ट्रोमियम,
वो अंतस्थिशियम की जो स्टोमियम कोशिकाएं होती है पतली भित्ति की होती है, तो ये इधर से प्रेशर पड़ता है और ये इधर से प्रेशर पड़ता है, तो इनके ऊपर दबाव पड़ने से ये क्या हो जाता है बेटा, फट जाता है। तो इस तरह से अनुप्रस्थ ध्यान रखना बेटा स्पुटन होता बेटा।